स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो आज के वीडियो में हमारा पेपर चल रहा है सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया का, जिसमें हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है। तो सेकेंड यूनिट का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। तो इकोनॉमिक जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा पॉवर्टी, सेकेंड है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड है हमारा करप्शन और फोर्थ है व्हाइट कॉलर क्राइम। तो ये चारों टॉपिक जो है वो आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आते हैं। इससे पहले वाला टॉपिक जो था हमारा फैमिली प्रॉब्लम्स था, उसके बारे में हमने सारे टॉपिक जो है वो डिटेल में स्टडी कर लिए हैं। उन टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज हम प्रॉवर्टी के बारे में। तो प्रॉवर्टी जो है ये हमारा टॉपिक, मैंने आप लोगों को जो आप लोगों की फर्स्ट यूनिट थी सोशल प्रॉब्लम, फर्स्ट यूनिट थी हमारी सोशल प्रॉब्लम, सेकेंड थी हमारी फैमिली प्रॉब्लम, अब हम थर्ड यूनिट पे आए हैं। तो थर्ड यूनिट में हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, उनको लेकर के ये हमारा जो पेपर चल रहा है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो जो प्रॉवर्टी वाला टॉपिक है ये मैंने आप लोग को यूनिट फर्स्ट जो आपकी थी सोशल प्रॉब्लम उसके अंतर्गत ये टॉपिक आपका आया था। ये टॉपिक मैंने उस वाले यूनिट में डिटेल में स्टडी करा दिया है, फिर भी एक तौर पे एग्जांपल के लिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि प्रॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। अब बात आती है कि गरीबी क्या है। गरीबी से आप सभी लोग परिचित हैं कि गरीबी का मतलब निर्धनता भी होता है। तो गरीबी या निर्धनता जीवन जीने के साधनों या उसके लिए धन हेतु अभाव की स्थिति होती है, या हम कह सकते हैं कि गरीबी से हमारा अभिप्राय जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताएं, जितनी भी हमारी न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताएं होती हैं उनको प्राप्त करने की अयोग्यता ही हमारी गरीबी कहलाती है। अब ये आवश्यकताएं आपकी कौन कौन सी हो गई, ये आवश्यकताएं आपकी हो गई आपका भोजन है, वस्त्र है, मकान है, शिक्षा है तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं। तो ये चीजें जो है वो आपको गरीबी के अंतर्गत आप इन चीजों को पाने में असक्षम होते हैं। तो ये हमारा हो गया पॉवर्टी। इसकी डिटेल में मैं आप लोगों को स्टडी यूनिट फर्स्ट में करा चुकी हूं, तो आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब सेकेंड टॉपिक हमारा आता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी क्या है? तो शारीरिक व मानसिक रूप से एक सक्षम व्यक्ति जो स्वस्थ है, शारीरिक व मानसिक रूप से एक ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ है और सक्षम है तथा कार्य करने का इच्छुक है, परंतु उसको रोजगार जो है वो नहीं मिल पा रहा है, ये वो हमारा जो है बेरोजगारी कहलाता है। जब कोई भी व्यक्ति अपनी पूर्ण आवश्यकताओं को प्राप्त करता हुआ किसी भी रूप में, शारीरिक रूप हो चाहे मानसिक रूप हो, उनको प्राप्त करने के लिए सक्षम है, हर रूप से तैयार है, परंतु उसको कहीं भी कार्य करने के लिए नहीं मिल रहा है, उसको अपने रोजगार का साधन नहीं मिल रहा है, तो वो समस्या हमारी जो है वो बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा करप्शन यानी भ्रष्टाचार। अब करप्शन मीनिंग जो है भ्रष्टाचार, उसका मेन जो मीनिंग है वो उसी के टॉपिक में जो है वो जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट आचार, यानी जिसका आचरण ही भ्रष्ट हो उसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। अब हम अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हमारे देश में भ्रष्टाचार आज से ही नहीं बल्कि कई सदियों से चला आ रहा है और दिन प्रतिदिन जो है वो धीरे धीरे करके ये बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश की स्थिति और भी ज्यादा बद से ज्यादा बदतर होती जा रही है, खराब होती जा रही है। अब अगर हम करप्शन के लिए बोले कि करप्शन का मेन मीनिंग क्या है, तो एक पद विशेष पर बैठे हुए व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है तो वो आचरण ही हमारा जो है वो भ्रष्टाचार कहलाते हैं। अब ऐसे लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने पद का, जो किसी भी अच्छी पोस्ट पे होते हैं वो
की तरफ ढकेलते जा रहे हैं, तो ये हमारा भ्रष्टाचार कहलाता है। अब फोर्थ टॉपिक की हम बात करते हैं, फोर्थ टॉपिक है हमारा व्हाइट कॉलर क्राइम यानी सफेद पोश अपराध। अब बात करते हैं कि सफेद पोश अपराध क्या है, तो वह वर्ग अथवा व्यक्ति जिसे समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा या सम्मान प्राप्त हो और उसकी ओर में हम आर्थिक लाभ के उद्देश्यों से कानूनी नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो वह कार्य जो है वो आपका व्हाइट कॉलर क्राइम कहलाता है। कहने का मतलब हो गया हमारा कि जब कोई व्यक्ति जो है वो उच्च पद पर होता है, जिसे समाज में सम्मान मिला होता है, उसकी पद प्रतिष्ठा होती है, वो कहा जाता है कि बहुत ही सक्षम और बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, उसकी प्रशंसा की जाती है, तो जब ऐसे व्यक्ति अपने आर्थिक लाभ की वजह से नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वो अपराध जो है वो आपका सफेद पोश अपराध कहलाता है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में ये हमारे चार टॉपिक हैं, इन चारों के बारे में मैं आगे आप लोगों को डिटेल में स्टडी कराती रहूंगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाके बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले समय में आप लोगों को मेरे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।